नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। आज 30 जनवरी को गढ़वा समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूलमाला पहनाकर किया गया। यह धरना प्रदर्शन झारखंड विकास मोर्चा के आह्वान पर राज्यव्यापी निर्धारित थी। यह धरना प्रदर्शन रघुवर सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप को लेकर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र केसरी एवं झारखंड विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री सूरज गुप्ता जी उपस्थित थे। श्री सूरज गुप्ता जी ने गीतांश टीवी को बताया कि आज झारखंड विकास मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य में समाहरणालय के समक्ष JVM के कार्यकर्ता एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं और आज समाहरणालय के समक्ष धरना पर बैठने का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि राज्य सरकार अपने शीर्ष पदों पर, ऊंचे पदों पर जो बैठे अधिकारी हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी हैं, DGP हैं, ADG हैं, ये सारे अधिकारियों के ऊपर तरह तरह के मामले का दोष सिद्ध हुआ है, आरोप लगे हैं और वैसे लोगों को बहाल करके रखा है ऊंचे पदों पर। जैसे श्रीमती राजबला वर्मा जी हैं, चारा घोटाले के मामले में चाईबासा में ये DC थी और उस समय तत्कालीन DC के रूप में रहते हुए इनके कार्यकाल में ही पैसे की निकासी हुई, दोषी उसमें पाए गए और उसमें उसके बाद DGP जो DK पांडे हैं, बकोरिया की घटना जो पलामू का चर्चित घटना है, उसमें निर्दोष लोगों को मार करके नक्सली मुठभेड़ दिखाए, उसमें दोषी पाए गए। और ADG जो अनुराग गुप्ता हैं, जो उनके ऊपर जो 2016 में राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप सिद्ध हुआ है, चुनाव आयोग ने निर्देशित किया है राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए, इन सारी मुद्दे को लेकर के और कुछ जो स्थानीय इशू हैं, आपके खाद्य आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, गरीबों से आवास से जुड़ा हुआ, जो शौचालय से जुड़ा हुआ और जो मामले हैं, जैसे नियोजन नीति, जो झारखंड सरकार हिंदुस्तान के पहला रघुवर सरकार है जो एक राज्य में 2 नियोजन नीति लागू की है, इसका भी विरोध हम लोग झारखंड विकास मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता बैठ के करते हैं और आज मांग करते हैं राज्यपाल से, संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम से मांग करते हैं कि ऊंचे पदों पर बैठे दागदार अफसरों को हटा करके न्यायिक जांच कराए और झारखंड में जो दोहरी नियोजन नीति स्थानीय नीति बनी है उसको समाप्त कर एक स्थानीय नीति और सिर्फ झारखंडियों को नौकरी में बहाली का मौका मिले, ऐसी नियोजन नीति बनाने का कष्ट करें। वही पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र केसरी ने भी अपने विचार को व्यक्त किए। आज सरकार जो है जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, देखिए एक सप्ताह 8 दिन से विधानसभा चल रहा है, 1 दिन में नहीं चला, किस लिए नहीं चला? राजबला वर्मा और DGP जो इस प्रदेश के हैं, ADGP जो है अनुराग गुप्ता, ये तीनों के विरुद्ध जो मामले प्रकाश में आए हैं, जिसे चारा घोटाला ले लीजिए, लालू यादव को जेल में भेजा गया, उसी चारे घोटाले में जहाँ से अभी 5 साल की उनको सजा हुई है, उसी चारे घोटाले में राजबला वर्मा सम्मिलित हैं। ये जो राशि की निकासी है उनके आदेश से हुआ और उन्होंने 10-15-20 बार आपको सो कुछ किया गया, इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। ऐसे अधिकारी को और फर्जी मुठभेड़ में मारने वाले DGP को और चुनाव गड़बड़ी करके भाजपा के संसद राज्यसभा सदस्य जिताने वाले व्यक्ति के DGP अनुराग गुप्ता को जिस तरह तरजीह दे रही है सरकार, एक क्षण इस मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द ये सरकार को समाप्त होना चाहिए, कोई अच्छी सरकार बने, इसके लिए पुनः चुनाव। मौके पर दशरथ राम, अरुण कुमार चंद्रवंशी, बसंत पासवान, अजीत जायसवाल, राम प्रवेश बिंद, धनंजय पासवान, महेंद्र राम, सलीम अंसारी, असरफी राम, मोतीलाल पासवान, दुर्गा देवी, सुनील चंद्रवंशी, चंद्रा देवी, सुनीता देवी, पवित्री देवी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में महामहिम राज्यपाल के नाम उपायुक्त महोदया को 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया। धन्यवाद।